हाल में तेलुगु की एक मूवी देखी जिसका नाम है दास का धमकी। और बताओ तो ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी है। 22 तारीख को रिलीज हुई थी तो मैंने अभी देखी, इसलिए मैं अभी रिव्यू कर रहा हूँ। मूवी की कहानी सिंपल भी है, आप बोल सकते हो प्रिडिक्टेबल भी है, ये भी बोल सकते हो। और ट्विस्ट तो भाई साहब भर भर के डायरेक्टर ने डाले। तो कहानी की बात करें तो इस मूवी के जो मेन रोल प्ले कर रहे हैं ना भाई विश्वक सेन, उन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग की। अब कहानी स्टार्ट होती है भाई साहब एक मिडिल क्लास बंदे से जो 5-स्टार होटल में करता है एक वेटर की नौकरी, और उसके दो फ्रेंड्स रहते हैं जो भाई लंगोटिया यार समझ लो तुम। ये वहां पर 6 साल से नौकरी करता है और डेली इसको एक ही स्पीच सुनने मिलता है कस्टमर से कि भाई तू 2 कौड़ी का वेटर है। अब ये सब सुन सुन के ना भाई साहब ये बंदा बहुत ही ज्यादा तंग आ गया और ये डिसाइड करता है कि मैं अपने ही होटल में जहाँ वो काम करता हूँ वहाँ पर जाएगा एज अ गेस्ट बन के। भले से जितनी भी सैलरी खर्ची हो जो भी ऑर्डर करना हो करेगा, मतलब इसको दिखाना रहता है बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ करना रहता है। तो ये कोर्ट वगैरह गाड़ी वगैरह भाड़ा करके तो चला जाता है वहाँ पर। अब वहाँ जाता है तो भाई साहब वहाँ पर बहुत ही बड़ी पार्टी होती है, वहाँ पर इससे एक लड़की से प्यार हो जाता है और भाई साहब वो प्यार बहुत ही जल्दी मतलब और भी बड़ा प्यार में बदल जाता है। अब एक बार मतलब ये लोग लॉन्ग ड्राइव पे रात के टाइम में जाते हैं, ठीक है। अब वहां पर जाते जाते एक बंदा उन लोगों को ना ओवरटेक करता है। अब ओवरटेक करने के बाद वो लड़की बोलती है कि भाई साहब तुमको उस बंदे को ओवरटेक करना पड़ेगा। भाई साहब ये जो दास रहता है भाई ये ओवरटेक कर देता है और लास्ट में वो बंदा जिसको ओवरटेक करता है उसकी हो जाती है एक्सीडेंट। और भाई साहब उस एक्सीडेंट के बाद ये दास की जिंदगी पूरी की पूरी बदल जाती है। अब इसमें आपको ये देखने को मिले कि एक्चुअली में इसकी जिंदगी बदलती कैसे है और एक मिडिल क्लास का बंदा किस हद तक जा सकता है। देखो इस मूवी में बहुत सारा लॉजिक अगर खोजने जाओगे तो कोई लॉजिक वाला मूवी नहीं है कि हाँ बोलोगे अरे भाई ये कैसे हो गया, कोई लॉजिक मूवी नहीं है, बस एक प्रिडिक्टेबल स्टोरी है इस टाइप का हो सकता है। फर्स्ट हाफ तक आप जब तक देखोगे ना तो आपको लगेगा भाई साहब एक नॉर्मल स्टोरी चल रही है कहानी की, एक नॉर्मल इंसान है वेटर का काम करता है, लड़की को पटा लिया बहुत सारा घर बाड़ी दिखाकर, ठीक है। लेकिन भाई साहब जैसे सेकेंड आप आएगा ना आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा और आपको मजबूर कर देगा फर्स्ट हाफ फिर से रिमाइंड करने के लिए कि एक्चुअली में फर्स्ट हाफ में जो जो इसके साथ हुआ हर एक कड़ी का आंसर आपको सेकेंड हाफ में डायरेक्टर ने दिया है। और इतना ज़्यादा ट्विस्ट आएगा आप जैसे सोचोगे कि हाँ चलो ये तो फाइनल रिजल्ट हो सकता है अब इसके बाद कुछ हो, लेकिन नहीं भाई आप गलत हो जाओगे। फिर एक अलग सा ट्विस्ट आएगा, फिर आप सोचोगे ये हो सकता है फाइनल रिजल्ट, लेकिन नहीं फिर एक अलग सा ट्विस्ट आएगा। मतलब डायरेक्टर ने आपके दिमाग के साथ पूरा खेल गया है। पूरी मूवी मैंने देखी, स्टोरी मेरे को उतना ज़्यादा एकदम खास नहीं लगा। हाँ बस थोड़े बहुत जो ट्विस्ट एंड टर्न थे उसमें आपको थोड़ा बहुत झटका लग सकता है। अगर आपने इससे पहले कोई भी सस्पेंस थ्रिलर मूवी नहीं देखी है तो आपको झटका लग सकता है, लेकिन मेरे को मूवी का बस एक पार्ट अच्छा लगा। एकदम मूवी के लास्ट टर्म में उसने जो मूवी के फर्स्ट में अपना ड्रीम सोचा था ना भाई वो ड्रीम वो पूरा करता है। और भाई साहब वो जो एंट्री होती है ना भाई विश्वक सेन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और माइंड ब्लोइंग एंट्री थी भाई साहब, एकदम दिल जीत लिया भाई। बंदे के अंदर टैलेंट है, अगर डायरेक्टर चाहते तो इससे और भी अच्छा एक्टिंग करवा सकते थे और स्टोरी में और भी अच्छी जान डाल। ये स्टोरी तो बहुत ही पुरानी टाइप की मूवी की है, लेकिन डायरेक्टर ने कोशिश किया है कि इस स्टोरी को थोड़ा सा रीराइट करके जो ट्विस्ट डाले उससे मूवी का थोड़ा सा फेस चेंज हो जाता है कि मूवी आपको एक नया चीज़ देने की कोशिश करती है। लेकिन बहुत सारे ऑडियंस को हो सकता है ये मूवी अच्छी ना लगे, लेकिन देखो मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ मेरे को ये मूवी अच्छी लगी। ड्रामा सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, आप फैमिली के साथ जाके आराम से इंजॉय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि ये इंटरटेन करने के लिए कोई भी आपको कसर नहीं छोड़ेगी। बात करें अगर कॉमेडी के बारे में तो इसमें कॉमेडी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब उतना भी ज़्यादा हार्ड लेवल का कॉमेडी नहीं है कि आपको लगे कि नहीं एकदम हंसने पे मजबूर कर सकती है। थोड़ी बहुत ही स्टार्टिंग में आपको पंचेस लाइन मिलेंगे जो अगर तेलुगु लैंग्वेज में अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आ गया एक्चुअल में ये किस मीम से लिया गया, बहुत सारे इस टाइप के यूज़ किए गए। लेकिन जब सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है तो मूवी एकदम चल जाती है सीरियस मोड पे, ठीक है। फर्स्ट हाफ आपको लगेगा अलग है, सेकेंड हाफ अलग है, लेकिन भाई सबका कॉम्बिनेशन है। जब सेकेंड हाफ आप देखने जाओगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअल में क्या क्या कनेक्शन था भाई, हर कुछ इस मूवी में धोखा है। बस भाई अपने पेटी की कुर्सी बांध के इस मूवी को देखना, हिलना मत और ध्यान से देखना हर एक सीन सेकेंड हाफ के बाद आपके लिए जरूरी हो सकता है अगर इस मूवी को आपको समझना है तो। चलो आज के वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक।